वेलकम बैक टू U3 चीर लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको द फॉक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरीज बताने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। ही वाज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी थी। ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। बट ही डिड नॉट गेट फूड एनीवेयर, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। एट लास्ट ही रीच्ड ए गार्डन, और अंत में वह एक बगीचे में पहुंची। देयर ही सा राइप ग्रेप्स, वहां पर उसने कुछ पके हुए अंगूर देखे। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। ही वांटेड टू ईट देम, वह उन्हें खाना चाहती थी। यानी कि जो अंगूर उसने पके हुए बगीचे में देखे थे उनको वह खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वर वेरी हाई, अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन, लोमड़ी बार बार कूद रही थी। अगेन एंड अगेन, बार बार वो कूद रही थी। द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन, लोमड़ी बार बार कूद रही थी। बट ही कुड नॉट गेट एट देम, लेकिन वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती थी। सून ही वाज टायर्ड, जल्द ही वह थक गई। ही वेंट अवे सेइंग, दीज ग्रेप्स आर श्योर, आई शैल नॉट ईट देम। ही वेंट अवे सेइंग, वह यह कहकर चली गई, दीज ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। आई शैल नॉट ईट देम, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। मोरल, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको द फॉक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरी पढ़ाई और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि इस विषय में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमसे रख सकते हैं, हम उनका आंसर देंगे। धन्यवाद।